क्षेत्रों में आवर्त विचरण को भी बदलती है जिसका विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए कहते हैं सीजन के आधार पर है, मौसम के आधार पर है, समय के आधार पर है। इसे मान लो 3-3 महीने टुकड़े में बांट देते हैं या आपके महीने के टुकड़े में बांट देते हैं, मतलब हर महीने अलग निकालना, या आपको 3 क्वार्टरली दे रखा है, क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने का, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने ऐसे भी कर सकते हैं टुकड़ों में। इससे क्या है, व्यापार से स्थिति ज्ञात हो। जैसे माल उदाहरण के लिए ऊनी वस्त्र विक्रेता की बिक्री सर्दियों में बहुत अधिक होती है जबकि गर्मियों में क्या होती है, बहुत कम होती है। इसलिए लोग धीरे धीरे आगे इसमें जैसे सेकंड क्वार्टर है इसमें आपका हाइएस्ट है हर एक में, जैसे इसमें भी आपके है इससे थोड़ा कम है लेकिन आस पास इसमें कम है तो इसमें कम ही आएगा, जैसे यह थोड़ा कम है, यानी कि क्वार्टर के हिसाब से साल के हिसाब से आपने बांट रखा है, कम ज्यादा जब होता है, ज्यादातर एवरेजली इतना होता है वो जैसे मान सबसे हाइस्ट गया है तो सबसे हाइस्ट क्वार्टर रहेगा। वो ये मौसम के हिसाब से और महीनों के हिसाब से बांट देते हैं ताकि हमें मौसम के हिसाब से जानकारी मिल सके कि हमारा माल ज्यादा कहाँ बिक रहा है और कहाँ कम बिक रहा है, तो ज्यादातर व्यापार के लिए काम आता है। और जितना माप करने से पहले हमें कुछ बातों का निर्णय कर लेना चाहिए, जैसे गणना में कठिनाई नहीं हो, जैसे कि पहले समय अवधि तय करनी, जो समय अवधि तय करनी कि आपको क्वार्टरली लेना है या मंथली लेने हैं या माल ज्यादा टाइम जहाँ बिक्री होती है वो वाला टाइम लेना है, आपको पहले समय अवधि निर्धारण करनी है। कोई जरूरी नहीं है कि 1-2-3 एक क्वार्टरली में रहो, या ऐसे ले सकते हो सितंबर से आप 2-2 महीने ले सकते हो, 3-3 महीने ले सकते हो, पहले समय अवधि निर्धारण करनी है आप, जिससे आवर्त विचरण साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक कोई भी हो सकता है, आप चाहो साप्ताहिक भी ले सकते हो, 1-1 सप्ताह 52 सप्ताह का एक साल निकाल सकते हो, 1 साल का पूरा, या मासिक भी निकाल सकते हो या त्रैमासिक, वो व्यापार वालों के लिए, हमें तो जो दिया हुआ वो आपको हल करना है क्योंकि आगे इसी के आधार पर निर्देशांक तैयार किए जाते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि काल श्रेणी में सबसे पहले दीर्घकालीन प्रवृत्ति, चक्रीय उच्चावचन और अनियमित विचरणों से मुक्त किया जाए। दीर्घकालीन प्रवृत्ति ज्यादा नहीं, केवल शॉर्ट टर्म में लेना है हर एक चीज, मतलब कम से कम टाइम में मालूम पड़ जाए कि हाँ यहाँ ज्यादा बिक्री हो रही है, इस महीने ज्यादा हो रही है या इस तैयार में ज्यादा हो रही है, तो तैयार के हिसाब से भी टुकड़ों में बांट सकते हैं। अब इसमें आपके हल करने की विधियां दे रही है, साधारण माध्य रीति है, इसमें केवल समांतर माध्य निकालना है सबको जोड़कर, सिंपल। महीने है तो महीने की जोड़ करो और सालाना है मतलब एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या निकालेंगे, ये फर्स्ट क्वार्टर है तो फर्स्ट क्वार्टर का ही देखेंगे, सेकंड है तो सेकंड क्वार्टर का, थर्ड है तो थर्ड क्वार्टर, फोर्थ है तो फोर्थ क्वार्टर का, ये सिंपल साधारण माध्य रीति। इसमें मंथली दे रखा है तो मंथली ऐड करो, जैसे आपको टोटल करना है, टोटल और 5 साल का टोटल करना है हर क्वार्टर, इससे सबकी जोड़ करनी है, जोड़ करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर टोटल बनी वापस और यहाँ निकालेंगे हम एवरेज, फिर एवरेज क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे हर एक के साथ अलग अलग, कैसे देखो जैसे आप इस बार जोड़ करो तो कैलकुलेटर जोड़ करना, जोड़ देने के आपके 3.5+3.5+3.5+4+4.8 ये होता है आपके 18.6। क्वार्टरली है तो क्वार्टरली जोड़ो और मंथली है तो हर एक का मंथली जोड़ो, सिंपल। 3.9+4.1+3.9+4.6+4.4 ये दे रखा है आपके 20.9। फिर 3.4+3.7+3.7+3.8+4.2 ये होता है आपके 18.8। फिर 3.6+4.0+4.2+4.5+4.5 ये होता है आपके 20.8। ये तो हुआ टोटल, अब टोटल देखो ये तो टोटल हो गया, अब हमें याद करना है एवरेज, एवरेज दिया था एवरेज नहीं है, एवरेज कितना है बताओ, सब में भाग तो कितना हमने कितने साल का लिया बताओ, ये 18.6 कितने साल का है, 5 साल का, तो पहले क्या करो उसे 1 साल का बनाओ, ये साल कैसे बनाएंगे, 18.6 भाग 5 कर देंगे, ये आ जाएगा आपके 3.72। फिर 20.9 भाजक 5
ये हो जाएगा आपके 4.18, फिर 18.8 भाजक 5, ये हो गया आपके 3.76, फिर 20.8 भाजक 5, ये हो जाएगा आपके 4.16। अब ये तो हुआ है हरेक अलग, ये अब आपको निकालना है साधारण माध्य से आवर्त विद्युत याद करना है, मतलब अब इनका माध्य निकालना है, परसेंटेज याद करना है आपको कि कितने दिन, मान लो कि जो मेन जो आएगा टोटल, अब यहां करेंगे हम टोटल, फिर निकालेंगे उसका एवरेज, अब जो एवरेज आएगा उसका इस पर कितना परसेंटेज है, औसत हर साल कितना रहा या हर क्वार्टर में कितना रहा, ये याद करना है। तो 3.72 प्लस 4.18 प्लस 3.76 प्लस 4.16, ये होता है आपके 15.82। ये है चार क्वार्टर का, तो बताओ एक क्वार्टर का कितना, तो चार का भाग दो आएगा 3.955। अब वो परसेंटेज याद करो कि हर एक क्वार्टर का एवरेज से कम है या फिर ज्यादा, परसेंटेज याद कैसे याद करके, इसमें इसका भाग देंगे इंटू 100, मतलब 3.72 भाजक 3.955 इंटू 100, ऐसे ही 4.18 भाजक ये भाग ये इंटू 100, 3.76 भाग 3.955 इंटू 100, ऐसा करना। तो देखो 3.72 भाजक 3.955 परसेंटेज याद करेंगे, यह आ रहा है 94.06। फिर अगला है आपके 4.18 भाजक 3.955 परसेंटेज निकालेंगे, दिया आ रहा है 105.69। फिर 3.76 भाजक 3.955 परसेंटेज निकालेंगे, दिया आ रहा है 95.06। एवरेज से हमें याद करना है, औसत से विचलन याद करना है, पर मंथली परसेंटेज के रूप में याद करना है। परसेंटेज याद करने के लिए पहले टोटल, फिर एवरेज, फिर टोटल, उसका एवरेज निकालेंगे। अब ये एवरेज और ये एवरेज तुलना करनी है, ज्यादा है तो 100 से ज्यादा आएगा उत्तर, इससे कम है तो 100 से कम उत्तर आएगा। 4.16 भाजक 3.955 परसेंटेज याद करेंगे, दिया आएगा आपके 105.18 या 105.2 भी कह सकते हो, ऐसे आप याद होगा। पहली विधि होगी सिंपल साधारण माध्य विधि, करना क्या है इसमें, क्वार्टरली दे रखा है तो क्वार्टरली जोड़ करो, मंथली दे रखा है तो मंथली, साप्ताहिक है तो साप्ताहिक जोड़ करो। जोड़ करने के बाद अब जितने साल का है उसका भाग लगाइए, ये है आपके टोटल, इसमें रहे पांच का, इसमें ही आप पांच का भाग दे दो ताकि आप ये वाले क्या हो जाए आपके ज्ञात रहे, क्योंकि ये 5 साल के हैं, ए साल का कितना, अब ए साल का निकाल दिया, अब ए साल के बाद इसका एवरेज कितना, इसके एवरेज के आधार पर परसेंटेज ज्ञात करेंगे, टोटल करो परसेंटेज ज्ञात करो। फिर दूसरी विधि है आपके चल माध्य रीति, अब चल माध्य रीति में क्या है आपके, चल माध्य रीति जैसे हमने पहले किए 3 साल के 5 साल के चल माध्य रीति से मैंने सवाल बताए थे, उसके आधार पर ज्ञात करना, ये तो है क्वेश्चन, टोटल उसका एवरेज से जोड़ करेंगे, इसके एवरेज के आधार पर हम परसेंटेज ज्ञात करेंगे। अब है आपके सेकंड पॉइंट चल माध्य रीति, अब चल माध्य रीति क्या करना है आपको, सबको तो ऐसे जमाना है समर यानी मंथली हिसाब से, जैसे यहां से ये दे रखा है, आप क्या करना है पहले 2008 लिखा इधर ध्यान, पहले अगर चल माध्य, ये तो थी आपके माध्य आवर्त विधि या साधारण माध्य रीति कह सकते हो। अब यह चल माध्य रीति, चल माध्य रीति क्या करते हैं, सन लिखेंगे 2008 1 2 3 4 पॉइंट, फिर 2009 1 2 3 4 पॉइंट, फिर आपके 2009 हरे का अलग याद करेंगे, कोई लाइन बनाएंगे, उसे 3 साल का है कहे आपसे 3 साल का, तो 3 साल जोड़ के एवरेज निकालेंगे, जो हमने पहले बताया चल माध्य रीति का क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपके 8वां क्वेश्चन था, उसमें मैंने बताया कंप्लीट चल माध्य रीति, जिसमें 3 साल का बताया, 5 साल का बताया, 10 साल का कितना बताया, 8 साल का बताया, 6 साल का बताया, 3 साल लगाकर मैंने बताए थे, 8 साल तक के बताए थे कंप्लीट। तो वहां से आप जो पूछे वो वाली विधि लगा क्या करेंगे, हम चल माध्य याद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बताया था वैसे करना है आपको। फिर इसमें जैसे दे रखा है आपको, तो पहले ऐसे क्वार्टर जोड़ करेंगे, फिर सेंटर जोड़ करेंगे, फिर मूविंग इंडेक्स, फिर ये एवरेज याद करेंगे। अब ये एवरेज की देखो, ये एवरेज की ये जो हमारे पास जो उत्तर आया था हमारे पास 3 साल का एवरेज, उसको और जो पहले दे रखे उनका क्या करेंगे, हम अंतर निकालेंगे, ज्यादा है ये वाले कम है तो उत्तर माइनस में, ज्यादा है तो किसमें लिखेंगे हम प्लस में, ऐसे निकालेंगे, ज्यादा है तो प्लस में, कम है तो माइनस में, ऐसे याद रखेंगे, वापस सारणी बनाएंगे वाले, फिर वापस यही मेथड अपनाएंगे, फिर आप याद करेंगे सेम मेथड ये वाला।
फिर उसी को हम क्या करेंगे क्वार्टरली मंथली ऐसे पर्सनल निकालेंगे कैसे देखो चल माध्य रीति हो गई चल माध्य अनुपात रीति भी है जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं बताऊंगा चल माध्य रीति कैसी है चल माध्य अनुपात कैसी है प्रवृत्ति अनुपात कैसे संग्रह अनुपात कैसे तो आगे जाके थोड़ा हार्ड है थोड़ा इजी तो आपको क्वेश्चन देना पड़े पहले तो कंप्लीट आ जाओ ये वाला कंप्लीट अब दूसरी वीडियो क्वेश्चन उतारो पहले